हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में लिए कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि आपके फ़ोन में, जनरली सबके फ़ोन में हम व्हाट्सएप यूज करते हैं और सबके फ़ोन में एक ही व्हाट्सएप होता है, बंदा एक ही व्हाट्सएप यूज करता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे। बट मैंने अपने फ़ोन में दो दो व्हाट्सएप इनेबल कर रखे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कैसा है। दोस्तों, इसकी ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी इसको कर सकते हो। मैं आप मेरे आज आपको मैं इस विषय में बताने वाला हूँ भी आप अपने फ़ोन में कैसे दो व्हाट्सएप चला सकते हो। सेम उसी प्रकार से आप दो फेसबुक कैसे चला सकते हो, या आपको दो दो इंस्टाग्राम चलाने हैं तो वो कैसे चला सकते हो। ये वीडियो मैं इसी पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, दो दो व्हाट्सएप हैं मेरे फ़ोन में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे आपके फोन आप भी अपने फ़ोन में दो दो व्हाट्सएप चला सकते हो, या दो फेसबुक चलाना चाहे हो अलग अलग अकाउंट के वो भी चला सकते हो। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता दोस्तों, ये आपके फ़ोन में ही सेटिंग होती है, आपको सेटिंग को बस इनेबल करना है। तो उसके बाद आपके पास दो व्हाट्सएप एक्टिवेट हो जाएंगे, दो फेसबुक एक्टिवेट हो जाएगी, और सेम दो इंस्टाग्राम भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में दोस्तों आपने देखा होगा, आगे जाके ऑप्शन, नीचे ऑप्शन ढूंढना है। उसमें दो दो व्हाट्सएप चलाने के लिए ऑप्शन आता है, कईयों के फ़ोन में ट्विन का ऑप्शन आता है, कईयों के फ़ोन में क्लोन का ऑप्शन आता है, ऐप का ऐप ट्विन का ऑप्शन आएगा या ऐप क्लोन का ऑप्शन आएगा, तो आपने ढूंढ लेना है। तो आप चलो नीचे ढूंढते हैं, आप देखोगे जैसे कि सेकंड लास्ट में मेरे पास यहाँ पर फ़ोन में सेकंड लास्ट ऑप्शन है ऐप क्लोन, कईयों के पास ऐप ट्विन का ऑप्शन होगा। मैं ऐप क्लोन को ओके कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों, आपके सामने हो गया ऐप क्लोन का ऑप्शन आ चुका है। इससे आपको पता लगेगा कि आप अपने फ़ोन में दो दो व्हाट्सएप, दो फेसबुक, दो इंस्टाग्राम कैसे चला सकते हो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप ओके ओके कर रखा है, इसलिए मेरे दो दो व्हाट्सएप यूज करता हूँ मैं दो अलग अलग नंबरों से। उसी प्रकार अगर आपको दो फेसबुक चलानी है अलग अलग अकाउंट की, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। और अगर आपको दो इंस्टाग्राम चलाने हैं अपने सेम फ़ोन में, दो दो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने हैं, तो इसको भी ओके कर सकते हो। ये ओके हो चुका है और आपके डेस्कटॉप में आ चुका है दोस्तों। अब देखते हैं, आप जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो पहली फेसबुक मेरे पास ये है, इसके बाद आप देखोगे सेकंड वाली फेसबुक ये है। सेम उसी प्रकार दोस्तों, पहला इंस्टाग्राम मेरे पास ये है, दूसरे वाला देखो ये आपके सामने लिखा हो सेकंड इंस्टाग्राम, सेकंड इंस्टाग्राम भी है। और ऐसे ही दोस्तों मेरे पास दो दो व्हाट्सएप है, देखो आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप भी, कुछ बड़ी बात नहीं है, ऐसे आप भी अपने फ़ोन में ढूंढ के सेटिंग को इनेबल कर सकते हो। इनेबल होने के बाद आप भी अपने फ़ोन में दो दो व्हाट्सएप चला सकते हो, दो 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 इंस्टाग्राम चला सकते हो, और दो दो फेसबुक चला सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं आपको पहले फेसबुक, फर्स्ट वाली फेसबुक की है, सेकंड वाली फेसबुक खोल के दिखाता हूँ। देखो सॉरी दोस्तों, डाटा बंद है, डाटा ऑन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, पहले बार तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, खुल चुका है मेरे पास। देखो वेलकम टू फेसबुक आ रहा है, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। पहले वाला देखो मेरा, यहाँ पे मैंने पहले अकाउंट खोल, यहाँ पे इसमें लॉगिन हो रखा है। तो उसी प्रकार आपने अगर दूसरे आए कोई दूसरा अकाउंट खोलना है, तो आप इसमें खोल सकते हो। उसी प्रकार आप इंस्टाग्राम में भी है दोस्तों, देखो इंस्टाग्राम में आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। इस प्रकार आपके दो दो अकाउंट बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।